नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अब खुलकर भाजपा के साथ सियासी मैदान पर दिखते हैं। जेडीयू और भाजपा की राहें जब से अलग हुई हैं, तभी से चिराग पासवान से भाजपा ने खुलकर अपनी करीबी बढ़ाई है। चिराग पासवान को हाल ही में हुए 2 विधानसभा उपचुनावों में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते देखा गया। वहीं अब चिराग पासवान ने भाजपा के साथ रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी बड़ी पार्टी में विलय की संभावना से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में लोजपा रामविलास और मजबूत हुई है। एलजेपी रामविलास के किसी भी बड़ी पार्टी के साथ विलय के बारे में सोचना असंभव है। चिराग ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि बड़ी ताकतें हैं जो लोजपा में विभाजन का कारण बनी। इन ताकतों ने लोजपा रामविलास को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पार्टी पिछले 2 सालों में और मजबूत हुई है। चिराग ने कहा कि लोजपा रामविलास 2024 के संसदीय चुनाव में भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और सरकार बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ राज्य विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि आने वाले चुनाव में यकीनन पार्टी के नेताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की नजर है उसमें कैसे पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर जनता के बीच जाए और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की आने वाले दिनों में कैसे सरकार बने। इन तमाम विषयों को लेकर आज विभिन्न जिलों में चर्चा हो रही है। इन तमाम बैठकों के बाद पुनः हम लोग प्रदेश में तमाम हमारे प्रभारी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जब अपने अपने जिला की समीक्षा रिपोर्ट लेकर, कार्यक्रम की रिपोर्ट लेकर वापस आएंगे, आने वाली रणनीति को उसी के आधार पर बनाया जाएगा। दरअसल ये मौका था पार्टी के स्थापना दिवस का। पार्टी के हुए बंटवारे और चाचा भतीजे के विवादों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी पूरे 23 साल की हो गई है और इस मौके पर उन्होंने श्री कृष्णा पुरी में पार्टी के राज्य मुख्यालय का उद्घाटन भी किया। लोजपा के पशुपति कुमार पारस गुट ने भी एक अलग समारोह में इस दिन को मनाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज बीच मझधार में अकेले हो गए हैं। पार्टी टूटी क्यों? जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, पर दिल टूटने के बाद नहीं जुटता है। चिराग का नाम लिए बगैर पारस ने कहा कि बाहरी व्यक्ति के कहने पर तो चला गया, बाहरी व्यक्ति के कहने पर दल को उसने तोड़ दिया। चिराग ने नीतीश के पक्ष में बयान देने पर मुझे कहा था कि आपकी और मेरे खून में फर्क है। तब मैंने उससे कहा था कि चिराग होश में रहो। चिराग आज फिर से एनडीए गठबंधन में आने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि चाचा भतीजा के बीच पार्टी के विवाद को लेकर खींचतान हुई, बाद में चुनाव आयोग ने इसमें दखल दिया। उसके बाद कई बार पशुपति पारस चिराग के एनडीए में रहने को लेकर बयान दे चुके हैं। चिराग पासवान भी सार्वजनिक मंचों से पशुपति कुमार पारस पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते रहे। फिलहाल चिराग इन दिनों काफी एक्टिव हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सक्रिय दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।